मुफसिल पुलिस ने सोमवार को वाहन जांच के दौरान कबरीबाग के पास एक स्विफ्ट कार से 1 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा को जब्त किया है। वाहन सवार व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि बाल्टी फैक्ट्री बरवाडी निवासी गुप्तेश्वर साव उर्फ गुप्ता साव द्वारा उन्हें बेचने को दिया गया है। इसके निशानदेही पर गुप्तेश्वर साव के घर में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस क्रम में घर के बेडरूम में पलंग के नीचे छुपा कर रखा गया 18 किलो गांजा बरामद किया गया। गुप्तेश्वर साव से जब पुलिस ने वैध कागजात की मांग की तो उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इसके बाद पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी लोगों में गुप्तेश्वर साव, मुर्तजा अंसारी और मोहम्मद दानिश शामिल है। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 1 कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफसिल थाना अंतर्गत कबरी बाद में कुछ लोगों द्वारा गांजा अवैध तस्करी एवं परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने वाहन चेकिंग क्रम में सफ़ेद रंग के स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली। इस क्रम में कार पर सवार मुर्तजा अंसारी और मोहम्मद दानिश से गांजा के मामले में पूछताछ की गई, लेकिन यह भी कुछ कागजात नहीं दिखा सके। टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर गणेश रजक, थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, बुद्धेश्वर उराव, FST टीम के शिव शंकर किस्कू और अन्य शामिल थे। देखिए, ये चुनावी माहौल के इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग गिरिडीह पुलिस काफ़ी कड़ा रुख अपनाते हुए सभी तरह के नशीले पदार्थों पर हम लोग अंकुश लगा रहे हैं। आज एक गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई और इस गुप्त सूचना के आधार पर नगर के इंस्पेक्टर और मुफसिल के इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक छापामारी दल और साथ में FST की जो टीम है, ये सभी साथ में गुप्त ठिकाने के आसपास में ये लोग तैनात थे। ऐसे गुप्त खबर आई थी कि कबरीबाग के क्षेत्र से एक स्विफ्ट गाड़ी गुजर रही है या गुजरने वाली है, तो उस पर गांजा का व्यापार किया जा रहा है। इस पर तफ्तीश के लिए ये लोग गए और वहाँ पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अभी मुर्तजा अंसारी और दानिश, जिनकी उम्र क्रमशः 47 वर्ष और 29 वर्ष है, इनके पास 1 किलो 700 ग्राम मुर्तजा अंसारी के पास पाया गया और मोहम्मद दानिश के पास 500 ग्राम पाया गया। इसके बाद इससे फर्दर पूछताछ की गई तो तीसरे व्यक्ति जो गुप्तेश्वर साव उर्फ गुप्ता साव, इनके घर पे जब गए तो वहाँ से लगभग 18 किलो गांजा जो है ये बरामद की गई। तो कुल लगभग 20 किलो 200 ग्राम गांजा अभी तक बरामद हुई है। इसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस टीम कहाँ तक इन लोगों का फैला हुआ है? देखिए, सिंडिकेट के बारे में अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि ये काफ़ी अंतर्राज्य गिरोह हो सकता है, इसमें जल्दबाजी भी कहना, लेकिन ये जाँच का विषय है। इस पर हम लोग आगे फर्दर इस पर काम कर रहे हैं। ये सर संभावना इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। काफ़ी मात्रा में बड़ी एक खेप पकड़ी गई है। इससे पता चलता है कि ये एक कारोबार ही था इनका, एक अवैध कारोबार कह सकते हैं इसको, और इसके लिए हम लोग आगे कड़ी से कड़ी इसको जोड़ेंगे और देखेंगे इसके संलिप्त जो भी व्यक्ति हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस पर हम लोग कड़ी नजर रखेंगे। लागत कितनी होगी? लगभग बारह लाख से ज़्यादा है इसकी कीमत अभी, हाँ, करंट मार्केट के हिसाब से। ये जब्त किया गया है JH01EV 7039 इसका नंबर है, और जो ये मुर्तजा अंसारी और दानिश अंसारी के द्वारा वाहन को चलाया जा रहा था, इनके वाहन से ही ये पहले गांजा पकड़ा गया। इनके निशानदेही पे बाद में गुप्तेश्वर साव के यहाँ भी छापामारी की गई। आगे क्या मैसेज? इस प्रकार के नशेले कारोबार में व्याप्त हैं जो लोग लगे हुए हैं।